बाय बाय, इसके बाद हम कभी लाइफ में चाट नहीं बनाऊंगा। ठोकर पे एक और धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरि, और भाई साहब आज मैं हूं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। और भाई अगर यहां पे हम आए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके पास ना आए और इनके पास आके ये ना खाएं और ये ना खाए और आपको ना बताएं कि भाई ये सब कैसे बना, कैसे हुआ। और जो पार्ट वन था ये मैंने एक तरह से आप बोल सकते हैं दिस इज चाट किंग 2.0, दिस इज द सेकंड वर्जन, दिस इज द सेकंड पार्ट, और द क्या बोल सकते हैं यार इसको, आप समझ जाओ आप खुद। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ भाई साहब आज नेक्स्ट लेवल। तो हरदयाल जी, मैं आपके पास आज दूसरी बार इसलिए आया हूँ। आपका तालियों का स्वागत है भाई। थैंक यू सो मच। ये भी खुशी की बात है, हम दोनों मिल गए, कोरोना के बाद भी मिले, अभी जिंदा मिले, अभी जिंदा, इससे बड़ा डार्क गिफ्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल हरदयाल जी, मेरा सवाल, पहला सवाल जो है जी, वो इससे है कि मैंने चाट किंग को समझा है जी, पर मैंने चाट को नहीं समझा। बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार जो मेरी से गलती हो गई, अच्छा, वो, अच्छा, वो जो कमी रह गई, अच्छा, वो ये था कि हमने चाट को नहीं समझा। अच्छा, हमने चाट किंग की स्टोरी करी है, आज चाट को समझेंगे जी। तो चाट किंग जो है जी, उनसे अच्छा चाट को कोई समझा नहीं सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, चाट के उस्ताद या चाट के राजा से अच्छा किसी को क्या मालूम होगा। नहीं नहीं बिल्कुल, चाट बोलो तो कि चाट, चाट का एक टाइटल होता है चाट, जब तक उंगलियां ना चाट जाए तब तक उसे चाट नहीं कहते। दिल से उसको चाटना चाहिए, पत्ता चाट जाए उसको, असली चाट उसी का नाम है। और ये 50 साल पहले एक हमारा गांव है मिश्रिक, छोटा सा गांव है, वहाँ एक मेला लगता था, तो वहाँ पर हम अपने पिताजी के साथ में एक कचालू बनाते थे। तो ये बॉयल आलू है, इसके मैंने स्लाइस काट लिए, दही नहीं, चटनी नहीं, कुछ भी नहीं पड़ता था। क्या क्या डालते हैं ये मैं आपको बता दूंगा, धनिया, मिर्चा, नमक, काला नमक जैसे कहते हैं ना, तो ये देखिए ये भुना नमक है, ये भुनी कुटी धनिया है। और इसकी विशेषता है इसको ज्यादा बारीक नहीं कर सकते, इसको बोलते दर्दरी धनिया, दर्दरा, दांतों में फंसे तो जबान लड़खड़ाने लगे, ये दर्दरी धनिया हो गई। और ये है कुटी हुई मिर्च, देखिए इसके भी दाने नहीं टूटने चाहिए। ये जो मिर्च के बीज है ना, इसको जामुन के या गन्ने के सिरके में पहले धुल के और फिर इसको सुखा के फिर इसको कूटा जाता है, तो इसकी जो करचाहट कड़वाहट है सब मर जाती है, क्योंकि जामुन का सिरका होता था मिर्च की मार देता है कड़वाहट को। ऐसे लोग खाते थे, उनकी नाक बहती रहती थी, ऐसे करते थे, खाएंगे फिर बोलेंगे यार एक पत्ता और दो, नाक बहते रहती थी, लेकिन चाट वो खाते रहते थे, तो बहुत मजा आता था। और ये है जामुन का सिरका, इसको बनाने में 1 साल लगता है, इसके बाद आप खा लेंगे ना तो नसों में करंट दौड़ जाएगा। तो ये देखिए ये जामुन का सिरका, कुटी धनिया, कुटा मिर्च और भुना नमक, और कुछ भी नहीं पड़ता था। पिताजी हमारे तो बेचारे चले गए, लेकिन ये कटोरा मुझे दे गए अभी तक का, वो जब तक जिंदा है तब तक बोला कि बेटा कटोरा थामे रहना है, कभी खाली नहीं होगा, लोग भरते रहेंगे। और उसको यूं ही उछालते थे, उछालने के बाद क्या होता था, दिल के अंदर रहता है वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, अंदर से मन मचलता रहता है वाहे गुरु करता रहता है। थोड़ी धनिया डालते हैं, अच्छा धनिया भी डालते हैं। हाँ हाँ, देखिए ये हरी धनिया है जी, ये चाट किंग जी जी, ये हरिया धनिया। अरे यार, अरे हरिया तो भैया कमाल कर दिया है, आज तक का आप जैसे कोई एडिटिंग ना कर पाया है, ना अभी तक का कोई वीडियो बना पाया है, और ना किसी को इतने व्यू मिल सके हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। तो इसको इसमें देखिए यू डाल दिया, ए निकल रहे, ये देखिए, और ये यू खाया जाता, देखिए इसका खाने का जो तरीका है। कुछ ऐसी गरीबी थी हमारे घर में, दो हम भाई बहन थे और माता पिता थे, लेकिन गरीबी ऐसी थी खाने को तकलीफ होती थी। एक बीघा खेत, हम लोग मौर्या हैं, उसी से हम लोग जीविका चलती थी। किसी कारणवश जो है हमारे पिताजी ने 2-3 हजार रुपये सरकार से कर्ज लिया था, तो लीलाम कर दिया। हमारी मम्मी जब खाने का नहीं हुआ करती तो जामुन के पेड़ पर चढ़ा देती थी, और उस पर पल्लू था साड़ी, हमको कहती थी हिलाओ, तो वो पेड़ से हिला हिला के पेट भर के खाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि जब बोल देते कि मम्मी हम गेहूं की रोटी खाएंगे, तो हमारे पिताजी बोलते थे बड़े बड़े नवाब हो ना, गेहूं की रोटी खाओगे। 2 साल तक का देखा, तो जब गरीबी होती तो आदमी के अंदर चिड़चिड़ाहट होती है। मुझे यही नहीं पता था कि ट्रेन में टिकट लिया जाता और ये ट्रेन कहाँ जा रही है। एक कच्छी थी, एक बनियानी थी, एक अंगोछा था, पैसेंजर गाड़ी थी, उसका नाम था बर्मी यानी लोकल, वो हमको यहाँ ले आई लखनऊ बिना टिकट, यहाँ उतर लिए। उम्र क्या थी उस टाइम? उम्र होती 5-6 साल की लगभग, दिसंबर का महीना था। आज आप दिसंबर में आए हैं, दिसंबर का ही महीना था। और यहाँ सामने देखिए ये साहू सिनेमा है, बर्मा बेकरी है, उस बरामदे में हम बोरे के अंदर जो चीनी बोरा होता था, चीनी ख़त्म हो जाती थी तो एक बोरे के अंदर मैं घुस जाते थे। यहाँ से जो गाड़ियाँ निकलती थी तो वहाँ लेटे लेटे देखते थे
गिनते थे, एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, तो गिनते रहते थे, बहुत मजा आता था। 1, 2, 3, 5 आलू टिक्की, 1, 2, 3, 4, 5 फटाफट रनिंग फास्ट। ये हमारे दोस्त लोग आ गए हैं, आज संडे है तो घर में खाना नहीं बनाएंगे कोई, उनका दिल करके आज बास्केट उड़ाएंगे चल के, हमारे हाथों की आलू टिक्की डाल दिया, दही बड़ा डाल दिया है, और ये पापड़ी चाट डाल रहे हैं। ये पापड़ी चाट हो गई, छोले लपेटू हो गए, 1, 2, 3, 4 अब एक चाट मसाला, एक कुटी हुई धनिया, एक कुटी हुई मिर्च, एक चटनी खट्टी वाली, 1, 2, 3, 4, 5 मीठी चटनी, 1, 2, 3, 4, 5 अब पापड़ी चाट, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 थोड़ा थोड़ा और डाल दे, संडे है ना, है संडे है ना, संडे को तो ये जीरा डाल दिया, हल्की सी धनिया डाल दिया, 1, 2, 3, 4, 5 अब हाथ मोला की बारी आ गई, 1, 2, 3, 4, 5 ये भाई बास्केट, एक बास्केट, एक बास्केट, एक बास्केट किसका है? उसके बाद 1992 में एक कन्नू भैया करके हैं, तो उन्होंने इस होटल को लिया रेंट पे, और हमसे बोला कि छोटू कैसा रहेगा? अरे हमने कहा भैया मजा आएगा, मजा आप लो तो, हमने कहा यहाँ तो आप पूछो मत क्या होगा, सारा ये होटल जो चाट सेक्शन है हमारे हैंडओवर कर दिया। उसी वक्त क्या हो गया, अचानक उससे बास्केट चाट बन गई। भट्टी पे बैठे थे, कारीगर बहुत खुराफाती दिमाग रहता है, तो जब भट्टी पे बैठते हैं तो कुछ ना कुछ खुराफात करते हैं, कुछ ना ट्राई करते हैं। छोटी सी छन्नी थी, छन्नी में मैंने लच्छे को ऐसे ऐसे लगाया और एक छन्नी और रख दिया, वो बास्केट के बेस बन गया। कटोरी बनी तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लगी, तो हमने कहा कल फिर एक और बनाएंगे। तो दूसरे दिन बनाया तो और आइडिया लगाया कि हमने कहा इसके अंदर थोड़ा कलर डाला जाए। दूसरे दिन बनाया तो 6 बास्केट था, अब उसमें कभी आलू टिक्की, कभी दही बड़ा, कभी पापड़ी डाल देते थे। अचानक क्या है, यूपी में इलेक्शन थे, दिल्ली के बड़े बड़े पत्रकार धुलंधर कवर करने के लिए आए थे, बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जो शाम को यहीं पे मजमा लगता था, तो उन्होंने क्या किया, ये क्या है, 2-3 दिन सोचते रहे, तुम्हारे जो कन्नू भैया उन्होंने इसका नाम रखो बास्केट, इसमें ये डालो, हमने डाल दिया। तो हमें पता ही नहीं था कि ये जब हम बना रहे थे चाट यहाँ पर, तो बड़े बड़े पत्रकार कैमरा लगा दिया, सुबह बड़ा बड़ा मेरा छाप दिया बास्केट को, बड़ा बड़ा छाप दिया उन्होंने, जो देखो पेपर में, बे तेरा फोटो निकला छोटू, अबे इधर आ, अभी भी कटिंग बड़ी बड़ी रखी है, जो देखो ऐसे बगल मरे छोटू, ये क्या बना है, तेरा फोटो निकला। तो वो जो है धीरे धीरे करके उच्चल पड़ा, जो आता है हमको यही खाना। 6 बास्केट मैंने शुरुआत की थी, उसके बाद मुझे सांस लेने का वक्त नहीं मिला भाई। अब बना रहे पालक कुरकुरी, ये देखिए पत्ता पेवर, इसको हींग के पानी में ला दूं भिगाते और सुबह बेसन चुआ देते टपाटप, तो ये हो गया पालक कुरकुरी, 1, 2, 3 और ये हो गया दही, ये एकदम नहा गया पूरा, खाने वाला भी कभी कभी नहा लेता है। ये मिर्च हो गई, ये हरी धनिया हो गई, ये हो गई पालक कुरकुरी। अब बनाते हैं दही भल्ला। आज कम से कम नहीं तो आज संडे है, 3-4 हजार लोग सेल्फी लेते, सिर्फ कहने को बड़ा तकलीफ होता, आप यहाँ से जाएंगे तो गाड़ियाँ आप गिन लो, देखिए कम से कम 200-300 लोगों की गाड़ियाँ उठा ले आएंगे ट्रैफिक वाले, लेकिन वो सेल्फी उनको चाहिए। बहुत गर्व की बात है, आज मैं इस लेवल का हूँ, इस काबिल हुआ हूँ कि लोग मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, हमारी नकल करते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों की नकल करते हैं तो उनको और प्रमोट करते हैं। तो आज की दुनिया में कम से कम 184 मुल्कों को मैंने अपनी चाट खिला दिया। मुझे नहीं पता था कि भाई फॉरेन के लोग चाट खाते हो तो हम तो समझते हैं पिज्जा बर्गर खाते हैं, जब उनको चस्का लगा तो ऐसा ऐसा लगा कि किस किस कंट्री के लोग हमारे पास खड़े हो जाते हैं। हमें ना इंग्लिश आती थी ना उन्हें हिंदी आती थी, और दोनों में कटर पटर चलती थी, दोनों 50-50 यानी भाई भाई है, ऐसे प्लेट है चाट जाते थे कि यूं प्लेट चटनी तक का नहीं छोड़ते थे। तब से महसूस हुआ हाँ भाई चुटकियों ने कुछ ऊपर वाले भरा है। भाषा नहीं समझते थे, ना वो मेरी भाषा समझते थे ना मैं उनकी, लेकिन जब वो उंगलियों से यूं चाटते थे प्लेट को, यूं एक तिनका भी प्लेट में नहीं रह जाता था, तब मुझे कुछ महसूस हुआ हाँ कि मेरी जो चुटकियां हैं इसमें कुछ ऊपर वाले भर के रखा है, अब पता नहीं कब तक रहेगा, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लोगों को खिलाते रहेंगे। पापड़ी चाट, ये पापड़ी चाट है देखो, ये भी खाने में बहुत जबरदस्त है, धनिया मिर्चा नमक, 1, 2, 3 बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे डिफरेंस मसाले हैं, ये है वो है, सिखाना नहीं, हम कहते हैं कोई परमाणु बम थोड़ी बना रहे यार, जितने सिखाएंगे उतने मजा आएगा लोगों को। पापड़ी चाट ये रेडी हो गया, पापड़ी चाट ये लो भैया पापड़ी चाट, जब तक मैं जिंदा रहूँगा
और उंगलियों में झंझनाहट रहेगी तब तक हम माफ़ी नहीं मांगूंगा। एक ऐप है हमारा जो आज की तारीख में टोपी वाले से पहचाने जाते हैं दुनिया में, 184 मुल्क मुझे देखते हैं। इस टोपी को यूं उतार दूंगा और चार्ट बनाना छोड़ देंगे और हाथ जोड़ लेंगे बाय बाय, इसके बाद हम कभी लाइफ में चार्ट नहीं बनाऊंगा। ये है आज का हमारा स्वाद वटांदरा, ये है जी असली चाट। इसमें अनारदाना है, इसमें धनिया है, इसमें मिर्ची है, जीरा है और भाई कचालू है, जामुन का सिरका है। तो आज मैंने सोचा कि टेस्ट टेस्ट इसी के साथ करते हैं, जो असली में चाट जिसको कहा जाता था, जिसको देख देख के चाट किंग जी भी बड़े हुए हैं। तो हियर्स अ बाइट। वो कहते हैं इसको खा के ना करंट आता है, हाँ नसों नसों में करंट आता है। तो हियर्स अ बाइट। लास्ट वीडियो में ना एक बांसुरी बज रही थी और इतने सारे कमेंट्स थे कि भाई वो बांसुरी वाले भैया को भी लाना था। और ऑनेस्टली बताऊँ, यहाँ पे आके ना आप नम हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता क्या हुआ, इतनी भीड़ है लोगों की। तो मेरे साथ भी वही हुआ। तो मैंने उस टाइम पे मैं भूल गया था कि भाई आसपास कुछ हो भी रहा है। तो उसके बाद जब वीडियो में वो बांसुरी बजी तो इतना मज़ा आया, इतना और थोड़ा अजीब भी लगा कि भाई वो वीडियो हम बना नहीं पाए उनकी। पर ये जो चाट है ना, दिस वॉज अ वर्ब, मतलब ये एक वर्ब था जिसको नाउन बना दिया है भाई आप सब लोगों ने। जो पिछली वाली वीडियो अगर आपने देख रखी है तो कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी। अगर आपने नहीं देखी है तो भाई साहब वो देखो और उसके बाद ये देखो दोबारा से। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद है ऐसा डीआरई। तो जौदा पंजाब साढ़ा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो ये ओरिजिनल वाली वीडियो भाई साहब, जिसपे मतलब ऑलमोस्ट 70 लाख व्यूज़ हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो भाई ये देखो। न्यू अमाउंट ऑफ वर्ड कैन एक्सप्रेस द टेस्ट ऑफ दिस चाट एट द मोमेंट। जो भी इसको देख रहा है, बुक योर फ्लाइट्स, बुक योर टिकट्स, कम टू लखनऊ फॉर दिस। भाई साहब यार क्या टेस्ट आ रहा है इसका, कसम से कह रहा हूँ, कसम से। अगर आपको ये ट्राई करना है ना, वर्ड्स कांट एक्सप्रेस दिस थिंग। रखा है कि 25 दिसंबर को क्या होया, पिछली बार बने थे तो चॉकलेट खत्म हो गई थी हमारी जी, जी, जी। तो छोटे छोटे बच्चे क्या, कोई दाढ़ी उखाड़ के लेके गया, कोई घंटी ले गया, कोई टोपी ले गया, अने पैजामे के नारा तक का लोग नोच ले गए। कम से कम 50,000 पब्लिक थी। तो कैसे बचे फिर बच्चे? क्या आप पैजामा कैसे बचाया? नारा तक का निकाल गए। इस पे चंदन का हुड था, वो भी तोड़ गया समझ लो। तो हमने कहा जो भी काम करे निचुल दाढ़ी नोच तो नहीं सकते, इसलिए असली असली काम कर रहे हैं इस बार।